रंगीला राजस्थान, यूनाइटेड कलर हो ना हो, कलर खूब हैं जहां से खबरें आती रहती हैं। सचिन की थ्रेट और गहलोत की थ्रेट, इन दो थ्रेट्स के बीच में कांग्रेस हाईकमांड फंसी हुई है और उनको इस समय पे अशोक गहलोत की थ्रेट जो है ज्यादा मजबूत दिखती है। सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम क्या होगा, किन किन नामों पर विचार चल रहा है? सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में बाकी सब कुछ मिलने के लिए पार्टी तैयार है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। किसी भी प्रभारी की इतनी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दे कि आप अपने हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट को ही बैठा लीजिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस के आलाकमान की नजर में कहीं ना कहीं राजस्थान मतलब अशोक गहलोत जम गया है। ये दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक बार डायरी में नाम काट देते हैं तो लिखते नहीं है। अब डायरी में नाम काट दिया है या लिखेंगे? पुरानी फिल्मों में जो अजीत होते थे विलन, वो जो नेगेटिव रोल में कैरेक्टर आते थे, वो उनका एक डायलॉग था कि फलां को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। अगर आपको पता चला अगर कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां इलेक्शंस को लोकल इश्यूज पर, महंगाई और बेरोजगारी पर रखती हैं, तो उनको बढ़त हासिल है और सही रणनीतिक समीकरण बिठा पाती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर, और उसमें भी खास तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, उनका प्रिय हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदू आइडेंटिटी का मुद्दा, और उसके साथ जो उनके बिग टिकट प्रोजेक्ट्स हैं या जो वेलफेयर स्कीम की डिलीवरी है, और अगर वो एक नैरेटिव बना पाते हैं तो उनको एडवांटेज रहेगा। और इन सब पर हम लोग लगातार चर्चा करते रहेंगे। अब रुख करते हैं राजस्थान का। अक्सर कहा जाता है कि जो भी कहा जाएगा वो विद्वान पहले ही कह गए हैं, तो पहेलियां बुझाने का फायदा क्या? लेकिन कुछ तो है जो नया जुड़ रहा है। एक राज्य का मुख्यमंत्री है जो देश के गृह मंत्री का नाम लेकर एक बड़ा दावा कर रहा है। वर्बेटम पढ़ देता हूं, ज्यों का त्यों। अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान और गजेंद्र सिंह शेखावत, इन सब ने मिलकर हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र किया। राजस्थान में विधायकों को पैसे बांट दिए। ये लोग अब पैसा वापस नहीं ले रहे। मुझे चिंता लगी है कि पैसा वापस क्यों नहीं ले रहे। हमारे विधायकों से मैंने यहाँ तक कह दिया कि जिसने 10 करोड़ 20 करोड़ लिया है उनमें से कुछ खर्च कर दिया हो तो वो खर्च किया हुआ पैसा मैं दे दूंगा, पार्टी से दिलवा दूंगा। आप अमित शाह का पैसा दे दीजिए, उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे तो हमेशा आप पर दबाव बनाकर रखेगा। ये अशोक गहलोत का बयान है। अशोक गहलोत जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते थे, अशोक गहलोत जिन्होंने राजस्थान का मुख्यमंत्री रहना चुना। विद्वानों ने इसे रियल पॉलिटिक कहा, नजूमियों ने कहा सचिन पायलट के एक और सितारे के खांचे में इंतजार की लकीर खिंच गई है, और पत्रकारों ने कहा रंगीला राजस्थान, यूनाइटेड कलर हो ना हो, कलर खूब हैं जहां से खबरें आती रहती हैं। और ये खबरें सिर्फ कांग्रेस के खेमे से नहीं आ रही, जहां अब ये लगभग तय मान लिया गया है कि सचिन पायलट एक नई पार्टी बनाएंगे। लगभग ये गिनती रोज होती है जयपुर में कि कौन कौन से विधायक उनकी गतिविधियों के भौगोलिक क्षेत्र के इर्द गिर्द देखे या पाए गए, और किसने किस तरह से उन्हें मदद पहुंचाई कैमरे के लेंस के सामने आए बिना। बात इस पर भी होती है कि इतना सब होने के बावजूद कैसे गहलोत ने न सिर्फ ओल्ड गार्ड को साधा, दिल्ली को साधा, बल्कि नए में भी जो भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है वो उनके दरबार से मुस्कुरा कर लौट रहा है। पर बात सिर्फ कांग्रेस की क्यों, चुनाव तो बीजेपी भी लड़ेगी। और बीजेपी के खेमे से खबर है कि जिन सतीश पूनिया को पार्टी प्रभारी ने लगभग अभेदान देते हुए ये कहा था कि इन्हीं के नेतृत्व में संगठन चुनाव लड़ेगा, उन्हें किनारे कर दिया गया। नए किस्म के रणनीतिक गठजोड़ों की बात हो रही है। पूछा जा रहा है कि विधानसभा के बाद लोकसभा पहुंचे और अध्यक्ष बने ओम बिड़ला की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है? क्या स्पीकर महोदय भी मुख्यमंत्री की रेस में है और उसके बाद एक लंबी लड़ी सी खुल जाती है भारतीय जनता पार्टी के भी दावेदारों की। एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो लगातार तेवर दिखा रही हैं, फिर अंदर खाने की जानकारी रख कर या रखने का दावा करके सेंसेक्स पे अपने रेट को मेंटेन करने वाले हैं, जो कहते हैं कि नंबर वन और नंबर टू के यहाँ उनकी पूछ नहीं है। फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जिनको लगता है कि इसी पूछ के सहारे वो मजबूत रहेंगे। फिर गहलोत खेमे के लोग याद दिलाते हैं, शेखावत का जिक्र करिए तो संजीवनी में SOG ने जो प्रतिवेदन दिया है उसको मत भूलिए।
इसके अलावा कभी राजेंद्र राठौड़ है जिनका वरिष्ठता क्रम है, लेकिन पार्टी के नए नवेले लोग कहते हैं कि अब उस अंदाज की राजनीति कहाँ ही रही जहाँ वरिष्ठता को एकमात्र योग्यता मान लिया जाए। पूनिया है, संगठन संभालने वाले चंद्रशेखर हैं, सुनील बंसल हैं जो राष्ट्रीय फलक पर आ गए, रहने वाले राजस्थान के हैं, ओम माथुर हैं और अश्विनी वैष्णव भी तो हैं जो मूलतः राजस्थान से हैं। तो क्या हुआ जो वो ओडिशा काडर के अधिकारी रहे और अब केंद्र में रेल मंत्री हैं। तो आपने देखा अभी थाल में खीर परोसने में भी इंतजार है, लेकिन दावतों के न्योतों का इंतजाम भरपूर हो गया है। और सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बिहार में घूमते घूमते प्रशांत किशोर की टीम ने सचिन पायलट को एक मंत्र दे दिया है, स्टार्टअप मंत्र, कि अगर चुनाव लड़ना ही है, नेतागिरी करनी ही है, तो अपने दम पर कोई पार्टी फ्लोट करो, फिर भले ही उस परचम के नीचे तुम हनुमान बेनीवाल या अरविंद केजरीवाल के साथ साझेदारी कर लो, कंपनी अपनी होगी तो मालिकाना हक बरकरार रहेगा। ऐसे कितने ही सवाल हैं जिसमें तीसरे मोर्चे की गणित दूसरे और पहले की गणित है, और इस गणित को गुनगुनाने के लिए मैं स्वागत करता हूं आपका लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल शो में, नेता नगरी में। इस सत्र में हमारे साथ कई वरिष्ठ मेहमान हैं, एक एक करके आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ राजस्थान से जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर मुकेश माथुर जी। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज तक न्यूज चैनल से जुड़े हुए शरद कुमार जी। शरद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेता नगरी के दर्शकों के बीच खासे लोकप्रिय लोकमत समूह से जुड़े हुए पत्रकार आदेश रावल जी। स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है आदेश जी, एक बार फिर आपका। थैंक यू सर। और हमारे साथ हैं वो जिनके आशीर्वाद के बिना कोई भी मांगलिक कार्य नेता नगरी का संपन्न नहीं होता है, वयोवृद्ध पत्रकार और अपनी सूक्ष्म टिप्पणियों के लिए विख्यात राहुल श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सौरभ जी। आदेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। बड़ा पब्लिक पसंद करती है कि आदेश बाबू घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम क्या होगा, किन किन नामों पर विचार चल रहा है, और 11 जून लगभग तय है तारीख जिस दिन राजेश पायलट जी का एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में देहांत हुआ था, और जिस साल एक जिस तारीख पर एक बड़ा आयोजन होता है, और उसके आगे पीछे की क्या हरकतें हैं, बताइए। देखिए, राजनीति में संभावनाओं को कभी नकारा नहीं जाता, और क्योंकि पार्टी के भीतर दो तबके ऐसे हैं, एक ये चाहता है कि इसे इस यात्रा को एंटी पार्टी एक्टिविटी मान के, अनुशासनहीनता मान के इनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने एक दिन का अनशन किया था। लेकिन उसके साथ ही एक तबका ऐसा भी है जो इस बात से सहमत है कि सचिन पायलट अपने अपनी अपनी पार्टी में सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, वो करप्शन की बात कर रहे हैं, वो उस बात की कर रहे हैं कि जो उन्होंने वायदे किए थे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए। सचिन पायलट का आज दूसरा दिन है यात्रा का, उस यात्रा में तिरंगा झंडा है, पीले झंडे हैं, वो चल रहे हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, विधायकों को आने से मना किया गया है कि आप यहाँ पर मत आइए, लेकिन जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोकल विधायकों का पूरा समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ी आपके दर्शकों के लिए कहानी सुना देता हूँ कि जब पिछली बार सचिन पायलट ने यह अनशन किया था एक दिन का जयपुर में, उस दिन क्या हुआ था। उस दिन पार्टी ने इस बात का मन बनाया था कि सचिन पायलट को एक नोटिस जारी कर देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पवन खेड़ा आए, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारे जो मीडिया के इंचार्ज हैं जयराम रमेश, वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। तो उसी वक्त साइमल्टेनियसली कांग्रेस ऑफिस में कर्नाटका की सीईसी की बैठक चल रही थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, सिद्धरमैया, डीके सुकुमार सब बैठे हुए थे। उस नोटिस की कॉपी लेके जब जयराम रमेश पहुंचे अंदर और दिखाया उन्होंने खड़गे साहब को, और उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, फिर उन्होंने दिखाया उसको केसी वेणुगोपाल को, सब ने कहा कि ठीक है आप ये नोटिस जारी कर दीजिए, इसे हम एंटी पार्टी एक्टिविटी मान लेते हैं। और ये पूरी लॉबी, ऐसा माना जाता है कि ये पूरी जो लॉबी है ये अशोक गहलोत के साथ है, यानी 25 सितंबर की घटना के बाद अशोक गहलोत और ज़्यादा मुझे लगता है मजबूत हो गए पार्टी के भीतर, क्योंकि एक बड़ा तबका, खासतौर पर सीनियर लीडरशिप जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, ये सब उनके समर्थन में खड़े हैं, जो कहते हैं कि राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बदलना चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, कहीं पंजाब जैसा हाल ना हो जाए। तो जयराम रमेश ने जब अप्रूवल ले लिया वो नोटिस जारी करने के लिए, तो उनके पीछे पीछे रणदीप सिंह सुरजेवाला आए, उन्होंने कहा कि क्या आपको किसी ने सचिन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। तो जयराम ने कहा कि नहीं कहा। बोला कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों सचिन को पसंद करते हैं, अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो सोच समझ के करिएगा, सब कुछ आपके ऊपर आएगा।
इस तरीके से जयराम रमेश उस बात से घबराए, उन्होंने उस नोटिस को फाड़ दिया। फिर बाहर आके कहा कि मैं एक दो लाइन का ट्वीट करूंगा, लेकिन तब तक सचिन पायलट का जो धरना था, जो एक दिन का अनशन था, वो खत्म हो चुका था और कांग्रेस पार्टी ने ना कोई नोटिस जारी किया, ना जयराम ने कोई ट्वीट किया। इस तरीके से वो बात टल गई। लेकिन अब यात्रा को एक बार फिर से उसी दायरे में लाने की कोशिश चल रही है और कांग्रेस पार्टी को इंतजार है कर्नाटका के चुनाव का। उसके बाद मुझे लगता है कि कोई हलचल जरूर होगी, जिसमें एक बड़ा तबका है जो चाहता है, जो समर्थक अशोक गहलोत के, कि सचिन पायलट की इस यात्रा को पार्टी के खिलाफ माना जाए और उन्हें एक नोटिस जारी किया जाए। लेकिन क्या सिर्फ नोटिस जारी होगा या उन्हें पार्टी के खिलाफ एक्शन भी पार्टी के खिलाफ ले सकती है, ये बड़ा सवाल है सौरभ जी। अभी क्या सचिन पायलट को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई ऑफर आया है? देखिए, कई बार ऐसे ऑफर आए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, कि सचिन पायलट को ये कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी का चेहरा बन जाइए, ताकि और हमारे पास वहाँ काडर है हमारा एक लेकिन सचिन पायलट ने उस प्रपोजल को कई बार पहले वो ठुकरा चुके हैं। कई जैसा कि जो आपने सवाल पूछा है, इसकी जानकारी अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस हाईकमांड को दी थी कि सचिन पायलट जो है आम आदमी पार्टी के टच में है, लेकिन वो महज कुछ मुलाकात थी जिसमें उन्होंने अपना प्रपोजल दिया था। तो उसमें प्रपोजल में ये था कि आपके आम आदमी पार्टी हनुमान बेनीवाल और आप हमारे चेहरा। आपको याद होगा जब हनुमान बेनीवाल की बेटी का बर्थडे था, वो दिल्ली में मनाया गया, उसमें भगवंत मान भी गए थे, अरविंद केजरीवाल भी थे, संजय सिंह भी थे, तो वो अपने आप में एक मैसेज था। तो ये प्रपोजल ये था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का चेहरा राजस्थान में सचिन पायलट बने और साथ में हनुमान बेनीवाल भी आ जाएं, ये एक प्रपोजल था, लेकिन जिस सचिन पायलट ने ठुकरा दिया था क्योंकि वो आम आदमी पार्टी में जाना नहीं चाहते थे। और जिनके भरोसे मानेसर आए थे उनकी तरफ से कोई संदेश? सचिन पायलट के अच्छे दोस्त गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात की पहल नहीं की कि वो भाजपा में आ जाएं, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा आए और तमाम दूसरे नेता आए। देखिए, राजस्थान में जिस तरह की पॉलिटिक्स है, वहाँ बीजेपी में मुख्यमंत्री के, जैसा आपने खुद अभी पढ़ के सुनाया कि कितने लोग हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में बाकी सब कुछ मिलने के लिए पार्टी तैयार है कि आप जनरल सेक्रेटरी बन जाओ, आप सीईसी में आ जाओ, आप प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ। फिलहाल के लिए प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। अच्छा, फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। तो उस स्थिति को समझें तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, और जो उनके कलीग जो उनके साथ यूपीए में थे, जो गए हैं बीजेपी में, उनका हाल देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्यों ऐसा फैसला नहीं ले रहे हैं। और जब आपने बात की कि सचिन पायलट हमेशा एक बात कहते हैं, आपने जिक्र किया मानेसर का, वो ये कहते हैं कि मैं चाहता था कि परिवर्तन हो, सत्ता परिवर्तन हो, मैंने अशोक गहलोत के खिलाफ ये आंदोलन किया था या मैं बैठा था, मैं बागी हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत 25 सितंबर को सोनिया गांधी के खिलाफ बागी हुए क्योंकि सोनिया गांधी हमारी अध्यक्ष थी, विधायक दल की बैठक होनी थी जो नहीं हो पाई। तो ये फर्क है इन दोनों, मानेसर वाली बात में और अशोक गहलोत वाली बात में, जो सचिन पायलट के नजदीकी लोग हमें बताते हैं, व्याख्याओं का फर्क है। अच्छा शरद जी, क्या जानकारी हमारे पास अशोक गहलोत खेमे की तरफ से, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आज तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अलवर में थे और बार बार फोन भी देख रहे थे और अपने ओएसडी को बुलाकर पूछ भी रहे थे कि दिल्ली से कोई खबर आई क्या। सुखविंदर सिंह रंधावा और बाकी सब प्रभारी गोविंद सिंह डोटासरा सब रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे थे और इस तरह से कहा जा रहा था कि नोटिस आ जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे कहा जा रहा है कि जब आज सुबह से सचिन पायलट यात्रा में निकल रहे हैं सौरभ, और हर एक घंटे में कोई फोन आ रहा है, वो लोगों से हटकर बाहर जा रहे हैं, वो फोन पर बात कर रहे हैं, फिर वापस से आकर यात्रा में शामिल हो रहे हैं। यही चर्चा हो रही कि ऐसा कौन सा फोन आ रहा है जो एकांत में जाकर बात करके वापस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कुछ चल रहा है क्योंकि देखिए, सचिन पायलट का दिल भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में अटका हुआ है। हालांकि उनकी तैयारी पूरी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने तैयारी कर रखी है कि हमारा अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो, जैसे अपने यहाँ कहावत है ना कि दो भाई होता है, एक मौज में फिर दूसरा फौज में निकल जाता है, तो अगर अशोक गहलोत मौज में रहते हैं तो मैं फौज में निकलूं, और फौज में निकले हुए देखिए 45 डिग्री के तापमान में मैंने अपने राजस्थान में 20 साल के राजनीति कवर करने के दौरान ये नहीं देखा था। कांग्रेस नेता के लिए इतनी भीड़ आई अभी राहुल गांधी के लिए या अडानी के खिलाफ
100-100, 200-200 लोग इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था, सारे संसाधन लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो जो रिस्पॉन्स है, देखिए जमीन पर बात करें तो अद्भुत है, हमने नहीं सोचा था कि आग बरसती गर्मी में ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। मगर सचिन पायलट कहीं ना कहीं, जैसे प्रशांत किशोर का नाम आ रहा है, आधिकारिक रूप से तो नहीं आ रहा है मगर चर्चाओं में है, उनके प्रचार प्रसार करने के जो तरीके हैं वो सारे तरीके लोग कंपेरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे हैं, आईपैक उनकी कंपनी है, वो नहीं होंगे तो वो एक तैयारी तो है, तैयारी है, वो जून की तैयारी है या फिर दबाव की तैयारी है। मैं जहां तक अध्ययन कर पाता हूं या फिर मैं उनसे बातचीत किया था यात्रा में जाने से पहले, एक दिन पहले रात को मैं मिलने गया था वक्त लेकर उनसे, जब बातचीत होने लगी तो मैंने कहा कि आपको कांग्रेस में रहना चाहिए, तो मजाक करने लगे कि आप भी प्रशांत किशोर हो क्या? मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप पत्रकार लोग सलाह भी देने लगते हो। तो हमने कहा कि हमारी आदत हो जाती है सर, 20-22 साल बाद हम पत्रकारिता करने के बाद ना नेताओं को सलाह दे डालते हैं, तो आदत से मजबूर होते हैं हम। फिर वो बातचीत होने लगी तो उन्होंने कहा कि बहुत लोग कहते हैं मुझे कि किसी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाओ, किसी ने कहा महासचिव बन जाओ, किसी ने कहा कार्यकारी अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन आज तक मुझे राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने कुछ भी बुलाकर नहीं कहा है। अगर वो बुलाकर मुझे कहें कि तुम्हें AICC में पोछा मारना है तो मैं मारने के लिए तैयार हूं, किसी दूसरे और तीसरे नेता के कहने से क्या मिलता है? तो मुझे लगा कि पीड़ा थी उनके दिल के अंदर जो बातों बातों में वो बोले। ये सही है कि जब से वो मानेसर से लौटे हैं सौरभ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई ऐसी सभा नहीं छोड़ी है जिसमें मानेसर की घटना उठाकर इनको अमित शाह के साथ जोड़कर और जलील नहीं किया हो। वो मीडिया में आता नहीं है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो सामान्य बातचीत है, और जब उसके रिएक्शन में कुछ बोलते हैं तो अखबार में छप जाता है गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला। मुझे लग रहा है कि इन्हें लग रहा है कि घर में बैठे बैठे मैं टीवी पर देखता रहूं कि अशोक गहलोत रैली कर रहे हैं तो कब तक करूं मैं? तो कहीं ना कहीं लीडरशिप एब्सेंट, जो राहुल उस दिन बातचीत में कह रहे थे कि कांग्रेस में लीडरशिप एब्सेंट है, उस लीडरशिप एब्सेंट की वजह से हो रहा है। अभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो या पवन खेड़ा हो, सचिन पायलट का खेमा ऐसा मानता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनको साध चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां से रिलीफ होकर उनकी छाती पर यहाँ दिल्ली में बैठे, और वक्त भी नहीं है। तो आगे का रास्ता क्या है? आगे का रास्ता ये हो सकता है कि सचिन पायलट को, जैसा कि लोग चर्चा करते हैं, हमारे कहने से क्या होता है कि सचिन पायलट को फ्यूचर लीडर के रूप में घोषित करके दोनों साथ में चुनाव में जाएं। मगर किसी भी प्रभारी की इतनी औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह दे कि आप अपने हेलीकॉप्टर में सचिन पायलट को भी बैठा लीजिए। ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ कि राहुल गांधी ने कहा, जिसे आपने शुरू किया, कि यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान, अब रंग बिखर गया है। यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान फोटो ट्वीट करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक नहीं दो मुख्यमंत्री बनाकर भेज रहा हूं। ऐसा होता नहीं है, ये रोमांटिक आइडिया हो सकता है सत्ता के बारे में राहुल गांधी का, मगर प्रैक्टिकल आइडिया होता है नहीं, मुख्यमंत्री एक ही होता है। अगले ही दिन सचिन पायलट टीवी पर देखते हैं कर्ज माफी की घोषणा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होती है तो वो दिल्ली होते हैं, फिर वहां से बिखराव शुरू हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री एक ही होता है, और बिखराव होते होते ये स्थिति तक पहुंच जाती है कि ये कंप्लेन करने जाते हैं, वहां सुनवाई होती नहीं है, और फिर ये बगावत कर लेते हैं, बगावत बीजेपी के साथ, जैसा कि आरोप लगता है कि उन्होंने किया। घर वापसी हो जाती है, प्रियंका गांधी मना कर लाती हैं। उस दिन पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गांधी परिवार से नाराज हुए, उन्हें लग रहा था कि पांव का कांटा निकल गया है, वापस मेरे पांव में चुभा दिया गया। करना होना यही चाहिए था, क्योंकि आदर्श स्थिति होती कि हमारे यहां आपको याद होगा कि शादी में फूफा जी लोग अक्सर बारात बिगाड़ दिया करते हैं, और एक फूफा जी जो अगर रूठ जाए तो पूरी बारात खराब हो जाती है। मगर फूफा जी कोई बहुत बड़ी बात पर नाराज नहीं होते हैं। करना क्या होता है कि दाल उबल रही होती है, उसे पूछ लेना होता है कि फूफा नमक डाल दे उसमें, फूफा इसी में खुश हो जाते हैं, दाल में तो नमक डलनी ही होती है। बस ये फूफा जी को नाराज कर दिया इन्होंने, साथ लेकर घूमते सचिन पायलट को, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर साथ घूमते हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूर की कौड़ी खेलते हैं, वो पहले भी ओला परिवार, मदेना परिवार, मृधा परिवार सबको किनारे लगा चुके हैं। बीच में जो उनके हम उम्र आए, सीपी जोशी, बीडी कल्ला, नारायण सिंह जिन्होंने सपना देखा,
उनको घर बैठा दिए। और अब नई पीढ़ी क्या है, सचिन पायलट का करीब करीब ये तय हो गया है कि घर बैठेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत का जिस तरह से पार्टी पर कब्जा है। अब ये सचिन पायलट कहते हैं कि इनका तर्क है कि लोग कहते हैं कि विधायक बिक गए बीजेपी के साथ पैसों से, यहां भी तो हमने जिनको मंत्री बनाया था, जिनको जिता के लाया था, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैसों से खरीद लिया। मैं कैसे कैसे प्रमोद जैन भाया और प्रताप सिंह खाचरदास को मंत्री बनाया था मुझे ही पता है, मगर वो भी पाला बदल के चले गए क्योंकि सत्ता था, सत्ता के आगे पैसा है, रुतबा है, तो यहां पर भी तो हमारे लोगों को खरीदा गया। तो इस तरह के तर्क है, और दूरी इतनी ज्यादा हो गई है सौरभ की, मुझे लगता नहीं है कि इस दीवार में कोई सुराख कांग्रेस आलाकमान कर पाएगा आपस में मिलाने के लिए, क्योंकि ईंट रखते ही जा रहे हैं दोनों दीवार के ऊपर, और ये दीवार लंबी ही होती जा रही है। अब सचिन पायलट देखिए कह रहे हैं कि मैं किसी पर हमला नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीधे सीधे हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हुई। पेपर लीक पर कार्रवाई नहीं हुई तो किसने कार्रवाई नहीं की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने? बाबूलाल कटारा को किसने सदस्य बनाया था? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो गिरफ्तार हुए हैं। तो हमला तो उन्हीं पर आप बोल रहे हैं वसुंधरा राजे। शरद जी, आप हमलों का जिक्र कर रहे हैं, गहलोत का खेमा कह रहा है कि जिम राम सिंह कासवां के कहने पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ मुकदमेबाजी हुई, वो राम सिंह कासवां खुद कह रहे हैं कि मैं इस मसले पर सचिन पायलट से मिला था, उन्होंने कहा मेरे वसुंधरा राजे से अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता। तो ये तो दोनों ही तरफ से बातें आ रही है ना। अब राम सिंह कसवा इन दिनों राइट हैंड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रघुवीर सिंह डोटासरा कुल जमा के। मैं यही पब्लिक को यही बताना चाहता हूँ कि नेता कब किस कुर्सी पे बैठा है उसके हिसाब से उसके बयान बदलते रहते हैं। मुकेश माथुर जी बदल जाते हैं जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश माथुर जी जी, सौरभ, अशोक गहलोत खेमे की तरफ से क्या तैयारियां दिख रही हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या वो आश्वस्त हैं कि कांग्रेस आलाकमान उन्हीं को चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगी, और किन स्कीम्स को वो पुश कर रहे हैं वोट बटोरने के लिए? क्योंकि बीजेपी की तरह वो भी कांग्रेस के बैड डिफेंडर रहे हैं, और दोनों ही बार उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस बुरी तरह हारी है, 2003 में भी और 2013 में भी। बिल्कुल, तो सचिन पायलट उनके लिए कुछ महीनों पहले तक बहुत बड़ा कंसर्न था। 25 सितंबर के बाद जो कुछ हुआ उसके बाद एक स्थिति ऐसी आई कि अशोक गहलोत जो थे वो खलनायक की तरह सामने थे हर तरह से, और उनको सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ी। जब खड़गे और माखन यहाँ जयपुर आए, विधायक दल की बैठक हुई, और वो एक तरह से कहा गया कि भाई सचिन को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, और फिर इस्तीफे हो गए विधायकों के। उसके बाद पूरी स्थितियां एकदम से अशोक गहलोत के खिलाफ हुई, उनको जाके माफी मांगनी पड़ी, और सचिन के साथ एक सहानुभूति जुड़ी कि फिर से इनके साथ अन्याय हुआ है वगैरह वगैरह। और उसके बाद एक दो महीने ऐसा लगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर स्थिति में है, आलाकमान की नजर में और जनता की नजर में। उसके बाद से अशोक जी ने बहुत सारा अपना फोकस अपने काम पे किया, हालांकि वो बीच बीच में बयान देने से नहीं चुकते थे, और हम मानते थे कि अगर सचिन कुछ बोलता है तो 24 घंटे में अशोक गहलोत का भी बयान आएगा, अशोक जी कुछ कहते हैं तो 24 घंटे में सचिन बोलेंगे, बस 24 घंटे का एक पीरियड होता था, तो ये सब चलता रहता था। लेकिन इन्होंने फिर धीरे धीरे एक बजट पेश किया जो पूरी तरह से लोक लुभावन बजट था, और उसमें ढेर सारी फ्रीबीज है ना, एक सामाजिक सुरक्षा पे इनका जोर रहता है अशोक जी का लगातार, कि सामाजिक सुरक्षा देना जो है वो सरकार का काम है, लेकिन उसकी आड़ में या उसके नाम पर बहुत सारे फ्रीबीज और सब कुछ। फिर उन्होंने महंगाई राहत शिविर एक शुरू किया, मतलब मेरा कहना है कि पूरे देश में कोई भी सरकार महंगाई और बेरोजगारी ऐसे दो शब्द हैं जिनसे परहेज करती है, क्योंकि पता है कि इन दोनों चीजों को एड्रेस करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इन्होंने एक महंगाई राहत शिविर, जिसने भी इनको सुझाव दिया होगा, इसका आइडिया दिया होगा, लेकिन इन्होंने एक शुरू किया। उसमें अब ये मोबाइल, बिजली, पानी, और मोबाइल तो खैर ये महिलाओं को देने वाले हैं, वो तो भी इन्होंने उसमें रखा हुआ है ठंडे बस्ते में, लेकिन बिजली का बिल कम करना, सिलेंडर 500 रुपए में देना वगैरह वगैरह, 10 तरह की चीजें इन्होंने ले रखी है। तो अशोक जी यही करते रहे कि जब जब मौका मिला तो सचिन को जवाब देते रहे, खासतौर से जब जब राहुल गांधी का राजस्थान में दौरा होता था तो उस समय एकदम टाइमिंग वही रहता था, कोई ना कोई चीज ऐसी बोलते थे, जैसे हाल में अभी उन्होंने ये कहा कि भाई मेरी सरकार तो इसलिए बची कि वसुंधरा जी जो थी वो अड़ गई कि भाई पैसों के बल पे विधायक नहीं खरीदे जाने चाहिए, गलत है, अनएथिकल है। तो जब जब राहुल का दौरा होना होता था उससे ठीक पहले कोई ना कोई ऐसा बयान देना, लेकिन फिर इन्होंने अपना थोड़ा सा ट्रैक बदला, या थोड़ा सा जैसे क्रिकेट में कहते हैं स्टांस बदला, और पूरा फोकस अपनी योजनाओं पे कर दिया।
फिर अपनी योजनाओं की ब्रांडिंग करना, वो एक और नेक्स्ट लेवल की। कर्नाटक के मैनिफेस्टो में भी राजस्थान की योजनाएं कैसे आए, इस तरह से इन्होंने करना शुरू किया। तो इनका फोकस इस तरह से अपनी योजनाओं पर रहा, और अब जाकर मेरे ख्याल से कांग्रेस के आलाकमान की नजर में कहीं ना कहीं राजस्थान मतलब अशोक गहलोत जम गया है। इन्होंने जमाया है चौतरफा काम करके, और जैसे भी ये हैं अपनी राजनीति के चतुर व्यक्ति, तो इस तरह से उन्होंने किया है। तो योजनाओं पे तो जोर है ही। जी शुक्रिया मुकेश जी। अब मैं राहुल श्रीवास्तव जी आपकी टिप्पणी चाहता हूं, क्या है कांग्रेस का अंतर्द्वंद, ये सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक है या एक बड़ी प्रक्रिया है? सौरभ, ये लार्जर पिक्चर जो अभी शरद कह रहे थे, ये मैं काफी दिन से कह रहा हूं, ये पूरी क्राइसिस अगर आप देखें जिस दिन से पैदा हुई है, वो जब से चीफ मिनिस्टर का झगड़ा हुआ है और यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान की बात शुरू हुई है, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल 50-50% शेयरिंग, ये हिंदुस्तान में कहीं सक्सीड नहीं हुआ है। ये इसका जनक कौन था और किसके दिमाग की उपज थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? उत्तर प्रदेश में बीजेपी बसपा में नहीं हुआ, मायावती ने धोखा दिया, बीजेपी नाराज हो गई, सरकार गिर गई। उसके बाद अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में यह फॉर्मूला कांग्रेस के लिए कांटा बना हुआ है, राजस्थान में लगातार हुआ ही हुआ है। अब ऐसे फॉर्मूले के कारण अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि उस समय भी जब ये एग्री हुआ था, अगर ऐसा आश्वासन दिया गया था कि एक दिन आएगा पप्पू तेरा दिन, तो ये फॉर्मूला फॉल्टी है, इसमें इनहेरेंट फॉल्ट है। और ये तभी होता है, ये अंडरलाइन करता है कि आपकी हाईकमांड कितनी कमजोर है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी एक डिसीजन को एनफोर्स कर सकती है कि नहीं, कि वो लोक लुभावन सबको प्रिय होने वाला डिस्प्लीज नन काइंड ऑफ एक फॉर्मूला देकर के नेताओं को भेजती थी कि चलिए ट्रूस हो गया, अभी अगली बार अब आए तो अब ट्रूस हो गया, अब आए तो अब ट्रूस हो गया, अब आदेश बात कर रहे थे नोटिस के साथ। ये क्या नोटिस है साहब? नोटिस सचिन पायलट नोटिस से डरेंगे? जब सोनिया गांधी के भेजे हुए दूतों को के खिलाफ जाकर के एक मीटिंग कराई जाती है, उसमें नोटिस का कुछ नहीं होता, तो ये इस पे नोटिस का क्या होगा? नोटिस के कोई मायने नहीं है। मैं कुल मिलाकर के अगर कहूं तो ये क्राइसिस कांग्रेस की हाईकमांड की लैक ऑफ स्ट्रेंथ या उनकी डिमिनिश्ड इक्विटी जो होती है, जो उनकी सत्ता कम हो जाती है, ये उसका परिचायक है। ये एक क्लियर डिक्रीज इन स्ट्रेंथ है सेंटर की, कांग्रेस की, कि वो किसी डिसीजन को एनफोर्स नहीं कर सकती। हालत ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा हो जाएगा या कुछ फला हो जाएगा, मेरे को जो इक्वेशन दिख रही है, जो मैं लोगों से बात करके दिख रहा है, कि कांग्रेस आलाकमान ने आज एक फैसला अंदर ही अंदर एक असेसमेंट कर लिया है कि सचिन पायलट अगर चाहें तो चुनावों से पहले सरकार नहीं गिरा सकते, अशोक गहलोत में इतना मादा है कि वो सरकार बचा लेंगे, और कांग्रेस हाईकमांड ये जान चुकी है कि अगर अशोक गहलोत को धक्का दिया गया तो अशोक गहलोत सरकार गिरा सकते हैं, और कांग्रेस को चुनाव से पहले एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि वो उनके पास राजस्थान में वो सत्ता में नहीं होंगे। ये एक थ्रेट वैल्यू जो है, यानी सचिन की थ्रेट और गहलोत की थ्रेट, इन दो थ्रेट्स के बीच में कांग्रेस हाईकमांड फंसी हुई है, और उनको इस समय पे अशोक गहलोत की थ्रेट जो है ज्यादा मजबूत दिखती है। यही एक वो है ब्रॉड एनालिसिस। इसके अलावा ये कहना कि फला बाद में कुछ हो जाएगा, ये कर्नाटक नैरेटिव की बात हो रही है। ये कर्नाटक नैरेटिव साहब, ये सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमांड के तमाम लोगों से बातचीत में ये बात बोल दी है कि ये कर्नाटक का नैरेटिव सिर्फ सचिन पायलट पे क्यों इंप्लीमेंट होता है कि झगड़ा मत करो, इस समय पे ऐसा मत करो, कर्नाटक में वोटिंग हो रही है, ये अशोक गहलोत पे तो नहीं इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि ठीक चुनावों के पहले अशोक गहलोत धौलपुर जाते हैं, और धौलपुर जाकर के वो जो बयान आप पढ़ रहे थे उसमें सचिन पायलट को करोड़ों रुपए दिए गए एमएलए को, ये सारी बातें वो पुनः उठाते हैं ये जानते हुए। देखिए, अगर आप गहलोत की पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि गहलोत साहब क्या कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले शरद के साथ एक मैं रेडियो रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग उस पर कहा था कि साहब ये जो पूरा चल रहा है जिस तरह से अशोक गहलोत का, ये पुरानी फिल्मों में जो अजीत होते थे विलन, वो जो नेगेटिव रोल में कैरेक्टर आते थे, वो उनका एक डायलॉग था कि फला को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। तो क्या है कि पहले सचिन पायलट को
मंत्री होते हुए उनके विभाग के इनॉग्रेशन में नहीं बुलाया जाता था, उनके सहयोगी के खिलाफ फाइलें उठी। सचिन पायलट उस टाइम थोड़े जोश में थे, राहुल गांधी की बैकिंग है, प्रियंका गांधी उनको पसंद करती हैं, दिल्ली में उनकी डायरेक्ट बैठ है, तो साहब वो बगावत पे आ गए और बगावत पे आ गए नहीं गिरा पाए। गहलोत पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को जैसे शरद ने कहा उनको धो डाला, बड़े बड़े परिवार निपट गए, उन्होंने निपटा दिए। सचिन पायलट उनके लिए छोटी चीज थे। सचिन पायलट को एक बगावत का टेम्पलेट लगवा दिया गया, उसके बाद से उनके हाथ में कुछ ज्यादा रहा नहीं। आप देखिए करते करते आज हालत यह है कि सचिन पायलट की जो सह हालत कि कहा यह जाता है कि ये दिल नाकाम सही नाउम्मीद नहीं है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। लेकिन साहब इस समय पे सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं नाउम्मीद हो चुका हूं। ये जो उनका अनशन है, ये जो उनकी पदयात्रा है, ये सिर्फ पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए है कि मैं पॉलिटिकली रेलेवेंट रहूं चुनाव के पहले। अदरवाइज कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत की जो इस समय स्ट्रेंथ, जो सर ने बिल्कुल सही कहा कि एक अशोक गहलोत ने धीरे धीरे अपना शिकंजा इतना बेहतरीन कर लिया, और जो कि मुझे सबसे ज्यादा दिखा अभी जब राहुल गांधी सूरत के केस में फंसे हुए थे, तो जिस तरह से कोर्ट में बुलाने में अशोक गहलोत को बुलाया गया वो एक इंडिकेशन था कि अशोक गहलोत टुडे मींस द चार्म सर्कल ऑफ द कांग्रेस फर्स्ट फैमिली, कांग्रेस के प्रथम परिवार का चार्म सर्कल है साहब। तो वो जो डिस्टिंक्शन हो गया, उसके बाद सचिन के पास साहब कुछ बहुत ज्यादा बचा नहीं है। वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस के लिए ये सब कर सकते हैं और कह यही सकते हैं। अगर आप किसी भी सचिन पायलट के क्लोज कैंप के आदमी से बोलें तो साहब वो यही कहेगा कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर इतनी पड़ी कि अब अनशन हो गई। तो ये कुल मिलाकर के सचिन पायलट का एक और अटेम्प्ट है, जैसे कि शरद ने भी किया होगा, तमाम लोग करते हैं कि मजाक कर रहा हूं कि नौकरी की बातचीत कहीं शुरू करते हैं, बायोडाटा सबमिट करते हैं, बातचीत आती है, एक चिट्ठी आती है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में है उसको धमकी देते हैं साहब देखो मैं वहां चला जाऊंगा। तो ये थोड़ा सा सचिन पायलट का दिल जो है वो आज भी कांग्रेस में है। सचिन पायलट जानते हैं कि राजस्थान की पॉलिटिक्स जो है वो बाइपोलर है और उसके अंदर थर्ड प्लेयर्स का दखल अभी उतना ज्यादा आसान नहीं है, और इसलिए सचिन पायलट विल स्टिल लाइक टू बी इन द कांग्रेस। एक फैक्टर और है उनके लिए कि एज इज ऑन हिज साइड, अशोक गहलोत 70-72 साल से ऊपर हो रहे हैं और कुछ सालों बाद उनकी राहुल जी ये फैक्टर मैं इतने नेताओं के लिए इतनी बार सुन चुका हूं ना कि एज इज ऑन देयर साइड कि अब वो अपील नहीं करता है। मुकेश माथुर जी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी तो गुटबाजी खूब है, एक तरफ गजेंद्र सिंह, एक तरफ सतीश पुनिया, एक तरफ राजेंद्र राठौड़, एक तरफ वसुंधरा, क्या चल रहा है भाजपा के खेमे में? भाजपा के खेमे में सबसे लेटेस्ट यही कि जब अशोक गहलोत जी ने वसुंधरा पे सारा ठीकरा फोड़ दिया कि मेरी सरकार ना बचती अगर वसुंधरा जी आगे नहीं आती और वो इसके पैसों से विधायक खरीदने के अगेंस्ट ना होती, ये एकदम से अप्रत्याशित लगा, क्योंकि लंबे समय से ये माना जा रहा था कि इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच कोई ना कोई तालमेल है, किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग है। और इससे ठीक पहले, मतलब ये प्रहसन शुरू हुआ उससे ठीक पहले, ये पूरी तरह से अशोक जी गजेंद्र सिंह के पीछे थे। संजीवनी का वापस से जिंदा किया गया सारा मामला और ये उनका नाम नहीं था FIR में, तो एक इनको एम्बेरसमेंट भी झेलना पड़ा जब अभिषेक मनु सिंह भी जो कांग्रेस की तरफ से ये केस लड़ रहे थे, या शायद इनकी तरफ से जो हाँ सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, और उन्होंने उन्हें वहां कहना पड़ा हाईकोर्ट में कि हम गजेंद्र सिंह जी की गिरफ्तारी की मांग अभी नहीं कर सकते क्योंकि FIR में नाम नहीं है। उसके बाद इस शर्मिंदगी के बाद नाम जोड़ा गया, मतलब आगे बढ़कर उनका नाम जोड़ा गया और फिर लगातार बयान दे रहे थे अशोक जी गजेंद्र सिंह के खिलाफ, और ऐसा लग रहा था कि क्या ये वसुंधरा का खेमा ऐसा करवा रहा है ताकि गजेंद्र सिंह चेहरे का चेहरा जो है वो दावेदारी से हट जाए। अब उसके बाद फिर एकदम से ये वसुंधरा पर अशोक जी बरसे और वसुंधरा ने कहा ये मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, मतलब वो तो एक तरह से तारीफ कर रहे थे अशोक जी की, इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन वसुंधरा जी ने कहा ये मेरे खिलाफ साजिश है। और अब समझ में नहीं आया कि भाई ये वसुंधरा जी का नाम अचानक कैसे आया, ये किसकी तरफ से आया या क्या। तो बीजेपी में बड़े नाटकीय घटनाक्रम हो रहे हैं, और लेकिन बीजेपी का आलाकमान यही कहता है कि भाई हमारा चेहरा मुख्य प्रधानमंत्री मोदी हैं, और वो आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोलने की
उसमें रहेंगे मुझे जहां तक लगता है। जी शरद जी, वसुंधरा राजे भी बगावत करेंगी क्या? कहा जाता है कि 2008-09 में भी लगभग ऐसी ही तैयारी थी राजनाथ सिंह के अध्यक्ष रहते हुए, चुनाव निशान से लेकर तमाम चीजों पर विचार विमर्श हो चुका था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। दोनों ही दौरों की कहानी सुना दीजिए मेरे दर्शकों को, क्योंकि तब लल्लन टॉप शुरू नहीं हुआ था। 2003 और 2004 का दौर देखा है सौरभ, जब वसुंधरा राजे निकलती थी सड़कों पर तो तक पहुंचने के लिए 15-15, 20-20 मिनट लग जाया करते थे। और एक बार तो बड़ी महंगी खड़ी मैंने खरीदी थी, वो भीड़ में टूट कर गिर गई थी, उसका अफसोस बहुत लंबे समय तक रहा। कल मैं जब देख रहा था नागौर की उनकी सभा सौरभ, तो 1000-2000 लोगों के बीच वो पुराने अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रही थी और एक छाया नजर आ रही थी। अब भीड़ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, उसी तरह से चुनरी ओढ़ रही थी, उसी तरह से महिलाओं को पकड़ रही थी, मगर भीड़ नदारद थी और जो रिस्पॉन्स होता है वो गायब था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर उसकी कहानी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और आते हुए गुजर जाते हैं सारे लोगों से मिलकर, फिर वो राजेंद्र राठौड़ से बात करते हैं, जो मोदी बैठे हैं, फिर वसुंधरा राजे बैठे हैं और राजेंद्र राठौड़ बैठे हैं। राजेंद्र राठौड़ से बात करने के दौरान बीच में 10 सेकंड के लिए वसुंधरा राजे कुछ बोल पड़ती हैं और वो बोलते हुए हम लोगों को समझ में आ गया था कि यही तस्वीर जारी होगी। और राजेंद्र राठौड़ जिनसे वो बातचीत कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तस्वीर काट कर और ये तस्वीर जारी होती है। तो बीजेपी में देखो दुल्हन वही जो प्रियामन भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाएगा वही दुल्हन होगा, भले ही शेरवानी सिला के सब घूम रहे हो, बीजेपी में कोई झगड़ा नहीं है, चाहे ओम बिरला हो, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वहां से आदेश आएगा और ये सब एक लाइन में बैठ जाएंगे। हाँ ये है कि दावेदारी कर रहे हैं, वसुंधरा राजे के लिए राह मुश्किल कर दिए उनके दोस्त कह लीजिए, दुश्मन कह लीजिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। हालांकि ये नेशनल मीडिया में पहली बार आया है सौरभ, खबर बनी है। हम तो बहुत दिनों से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि वसुंधरा जी ने हमारी सरकार बचाई। अभी 5-7 दिन पहले हमारे माइक पर भी इन्होंने हनुमानगढ़ में बोला था, लेकिन इस बार मंच पर बोला और इस तरीके से बोला कि 10-12 करोड़ का पैसे नहीं लौटाए हैं, तो फिर ये सुर्खियां बन गई। मगर ये पहले से बोलते आ रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर, अपने बात में वजन रखने के लिए बोल रहे होंगे, वरना मुझे लगता नहीं कि फंसाने के लिए बोल रहे होंगे। कई तरह की बातें इसमें कही जा रही है कि कल भी जैसा कि हम लोग अशोक गहलोत से बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि मैं मौका छोड़ता नहीं हूं बोलने का, कहां बोलना है मुझे पता रहता है। तो वो हो सकता है वसुंधरा राजे वापसी की कोशिश कर रही होंगी, और लोकप्रिय नेता रही है, पूरे राजस्थान में आज के दिन में किसी का एक प्रभाव है जो हर जगह जा सकता है, तो वसुंधरा राजे हैं। शरद जी जो नजर आ रहा है वो नहीं, अंदर खाने बताइए, वसुंधरा खेमे में क्या तैयारी चल रही है? हाँ तैयारी देखिए, तैयारियों में अब जो अशोक परनामी हैं या फिर प्रताप सिंह सिंघवी हैं, राजपाल सिंह शेखावत हैं, कालीचरण सराफ हैं, ये यूनुस खान है, ये 6-7 लोगों का गुट है जिनके बारे में कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का शासन था तो उन्हें अच्छा खासा मतलब रुतबा था, कमाई थी, वो लोग एक गुट बनाकर घूम रहे हैं। मगर पार्टी में अभी भी इनकी वापसी नहीं हो रही है। तो जस्ट मनाए थे इन्होंने सीपी जोशी की ताजपोशी के समय, वो भी काफूर हो गया है, क्योंकि सीपी जोशी तो कुनिया से भी भारी पड़े, वो तो बिल्कुल ही घास नहीं डाल रहे हैं। लगता है कि वहां से निर्देश दे दिया गया है कि दूर ही रहना है। अब वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि प्लानिंग तो ये कर रही है, मगर वो इनके इनके मन में है कि जब फायर ब्रांड नेता उमा भारती नहीं सक्सेसफुल हुई, अब 100 विधायक ले जाने वाले बघेला नहीं, लिंगायतों के नेता युद्रप्पा नहीं, कल्याण सिंह नहीं हिंदू हिंद सम्राट, तो मैं क्या कर पाऊंगी। और एक बेटे का बोझ भी है दुष्यंत सिंह का एक उनके ऊपर की उनकी भी राजनीति देखनी है। तो वसुंधरा राजे कोशिश कर रही है बार बार से, कल की सभा में देखेंगे आप तो अपना फोटो तो छोटा लगाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फुल स्क्रीन लगा रखी थी, तो वापसी की कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से बीजेपी की मुख्य धारा में हम लौटे, इसके लिए संघ के पुराने नेताओं से संपर्क कर रही हैं, नागपुर से भी संपर्क कर रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसी पुराने संघ नेता का या फिर नागपुर के संघ नेता का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक बार डायरी में नाम काट देते हैं तो लिखते नहीं है। अब डायरी में नाम काट दिया है या लिखेंगे, इसे लेकर यहाँ पर
चल रही है चर्चा, मगर देखिए सही बात है। अच्छा ये बताइए कि सतीश पुनिया को क्यों बदला गया, क्योंकि कई लोग तो कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि उन्होंने संगठन को बड़ा रिचार्ज कर दिया है, नेताओं में अलोकप्रिय हैं लेकिन कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं सतीश पुनिया, एक व्याख्या ये बताई गई। कहा गया कि साहब बहुत सारे जो दिल्ली के और जयपुर के नेता हैं वो असुविधा महसूस कर रहे थे, सतीश पुनिया को जिद्दी बताया जा रहा था, अड़ियल बताया जा रहा था। अब देखिए कुछ तो लोग एक तो नई पीढ़ी के हैं और जिस किसान समाज से आते हैं उसमें एक अखड़पन रहता है, ये बात तो है उनमें। लेकिन सतीश पुनिया के बारे में एक कंसेप्ट बन रहा था कि भाग मिल्खा भाग बने हुए हैं, दिन भर दौड़े ही करते रहते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, मगर अंदर की कहानी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर जो संगठन महामंत्री हैं आज के दिन में राजस्थान बीजेपी को वही चलाते हैं, वही सतीश पुनिया को चला रहे थे, वही सीपी जोशी को चला रहे हैं। चेहरा सामने किसी और का होता है मगर चलती उन्हीं की है, और संगठन जो मंत्री हैं चंद्रशेखर उनके और सतीश पुनिया के बीच संबंध अच्छे नहीं रह गए थे, क्योंकि धीरे धीरे सतीश पुनिया को भी लग रहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, आखिर कब तक उनके निर्देशों पर भागता रहूं, मैं काम करता रहूं। और ऊपर वसुंधरा राजे लगातार दबाव डाल रही थी, जैसे कि अभी अपना बर्थडे मनाई थी तो दिल्ली से बहुत सारे पत्रकार आए थे, हम भी गए थे तो हम भी किनारे कुर्सी लेकर बैठे हुए थे, तो वो लगातार सबको ये समझा रही थी कि देखो मुझे पर्सनल अनग्राटा बना रखा है सतीश पुनिया ने, कल का आया वो पहली बार का विधायक है और ये हमको पार्टी में किनारे लगाने की कोशिश कर रहा है। मगर वसुंधरा राजे को बड़ी तस्वीर समझनी चाहिए कि सतीश पुनिया, मैं समझूंगा शरद भाई, बड़ी तस्वीर समझूंगा, पहले जरा ये बर्थडे पार्टी की और प्रसंग सुनाइए। हाँ, पर्सन अनग्राटा बना रखा है और क्या क्या बोला वसुंधरा ने? और तो मैं देखिए उस समय सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, पता नहीं ये कहना सही हो गया गलत हो गया, खुलासा करना कह दीजिए लल्लन टॉप है, यहाँ नहीं कहेंगे तो कहाँ ही कहेंगे। तो सीपी जोशी का नाम जो है हवाओं में नहीं था, मगर वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, तो हम लोग सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि लुक दिस सीपी, अब इसे नंबर पर इसका उम्मीदवार रहा वल्लभ नगर के चुनाव में, जमानत जब्त हो गई, लोग तो कह रहे हैं कि बहुत पैसा लिया दिया गया है। अब ये आरोप सुनने के बाद मुझे लगा कि सीपी जोशी से भी इनके संबंध हो सकता है सामान्य नहीं हो, लेकिन अब जब सीपी जोशी बन गए हैं तो मुझे लग रहा है कि वाकई में इनके समान संबंध सामान्य नहीं रहे हैं। सतीश पुनिया बेचारे तो बनने के बाद कम से कम किताब लेकर घर गए थे वसुंधरा राजे के 13 नंबर के बंगले में, ये तो वहां भी नहीं गए, और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, हालांकि आपने कहा है सूत्र नहीं कहने का, सूत्र तो सूत्र ही होते हैं, तो बता रहे थे कि अभी जब मन की बात की कहानी हो रही थी वहां पर जालौर में, तो कम सीपी कम करके बुलाई और उन्होंने कहा कि तुम जयपुर कब आओगे, मुझे तुमसे बातचीत करनी है, बैठना है। तो सीपी जोशी ने कहा कि मैडम मैं तो जयपुर रहता नहीं हूँ, मैं तो दौरे पर रहता हूँ। तो आप समझिए इस तरह से वो मिलने के लिए बेचैन है कि सीपी आओ बैठो, मैं अपनी भूमिका के बारे में तुमसे बात करूं, और सीपी कह रहे हैं कहां वक्त है मेरे पास। ये सीपी नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, सीपी की नहीं इतनी औकात थी न सतीश पुनिया की है, और वसुंधरा राजे को इस बात को समझ रही है, मगर समझ के भी क्या कर सकते। पर चंद्रशेखर के भी तो पॉलिटिकल, चंद्रशेखर के भी तो पॉलिटिकल आका होंगे ना संगठन मंत्री के, उनको कहां से संकेत मिल रहा है? पार्टी प्रभारी अरुण सिंह की तरफ से, जेपी नड्डा की तरफ से, अमित शाह की तरफ से संकेत तो उनको भी होंगे ना। देखिए अरुण सिंह बहुत ज्यादा उनको भेज दिया जाता है समन्वय बिठाने के लिए, बर्थडे मनाने भी चले जाते हैं और उसी दिन सतीश पुनिया के धरने में शामिल हो जाते हैं, वो इस पंचायती से दूर रहना चाहते हैं। हाँ ये है बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री है, उन्होंने ऐसी बात कही जाती है कि वसुंधरा राजे को दो टूक कह दिया है कि आप एक विधायक की हैसियत से काम कीजिए, आपका उपयोग क्या लेना है कैसे लेना है हम इसे चुनाव में देख लेंगे। और बीएल संतोष मुझे पता नहीं किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं, मगर बीएल संतोष के निर्देश पर चंद्रशेखर काम कर रहे हैं, और यहाँ पर आरएसएस जो भारतीय भवन है वहां पर प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी का नाम अगर राजस्थान में मुलायम मुकेश माथुर जी जानते हो, सब लोग जानते होंगे, प्रकाश जी पर लंबे समय तक राजस्थान बीजेपी के सर्वे सर्वा रहे हैं। प्रकाश जी और वसुंधरा राजे बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है, सतीश पुनिया की विदाई के पीछे एक कारण यह भी था कि प्रकाश जी भी निर्देशित करते थे कि करना क्या है, और निम्बाराम जो फिलहाल अभी प्रकाश जी के बाद काम संभाल रहे हैं वह भी सतीश पुनिया से उनके भी माफ कीजिए वसुंधरा राजे से उनके भी संबंध अच्छे नहीं है।
तो एक तरह से संगठन में चंद्रशेखर हो, निम्बाराम हो, प्रकाश जी हो, ये जो तिकड़ी है आरएसएस की, इस तिकड़ी से व्यतिक्रम संबंध है वसुंधरा राजे का, इसकी वजह भी इस एंट्री में उनकी मुश्किल खड़ी कर सकती है। चलिए आप सब लोग इतना बता रहे, हम भी थोड़ा सा छुआ देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े एक बहुत बड़े और अब राष्ट्रीय स्तर के नेता ने कहा कि हमने एक दफा वसुंधरा जी से पूछा कि वसुंधरा जी याद करिए 2003 में आपको जो टीम चुनाव लड़वा रही थी, जिता रही थी, जी जान से जुटी हुई थी, उस टीम का क्या एक भी व्यक्ति आपको इस वक्त अपने इर्द गिर्द नजर आता है? क्यों चले गए सब लोग करके छोड़ के, और संकट के समय ही आपको ये टीम क्यों याद आती है? सत्ता में आने के बाद आप तक पहुंचने के रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं? फिर मैं एक वरिष्ठ नौकरशाह से भी बात कर रहा था जो राजस्थान और देश में तमाम बड़े पदों पर रहे, उनकी एक दूसरी व्याख्या थी। उन्होंने कहा ये बात सही है कि वसुंधरा जैसा सख्त प्रशासक जो एक बार ठान ले कि ये करना है तो वो करके ही मानेंगी, बड़ी मेहनती भी है, लेकिन अपने इर्द गिर्द की गड़बड़ियों की तरफ उनका ध्यान समय रहते तो देखिए दूर की बात है देर से भी नहीं जाता है, और यही उनके राजनीतिक कमजोरी का कारण बनता है। मैं रुक करूंगा अविनाश, माफ करिएगा, आदेश रावल जी का। आदेश जी, भाजपा के खेमे से क्या जानकारी है आपके पास? मुझे पता है आप एक्टिवली कांग्रेस कवर करते हैं, पर मुझे यह भी पता है कि पॉलिटिकल पत्रकारों के पास सब तरफ से हवा आती है। देखिए एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल गए थे राजस्थान और जिस तरीके का रवैया उनका था या व्यवहार था अशोक गहलोत के प्रति, जो कि होना चाहिए था वसुंधरा जी के प्रति, तो ये सबको ना अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। दूसरा, राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को ये लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे तालमेल बिठाएंगे, ये अभी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बीजेपी में इस बात की चर्चा है दिल्ली के गलियारों में भी कि कैसे मैनेज होगा वसुंधरा का जो कद है, उनको कैसे, क्या उनको पद देंगे। अब दोनों ही चीज़ें जा चुकी हैं, विधायक दल का जो CLP का पद होता है वो भी और अध्यक्ष पद भी, और दोनों ही नेता उनके खेमे से नहीं बनाए गए, तो अब देखना ये है कि वसुंधरा को कैसे बीजेपी जो हाई कमांड है यानी प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी कैसे उनको मैनेज करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है जो उनके भीतर घूम रहा है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में कही थी एक बात कि कौन कौन उम्मीदवार हैं, जहाँ तक मेरी कई लोगों से बात हुई थी उसमें जानकारी ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत अब थोड़े से पीछे आ गए हैं, उसमें ओम बिरला और अश्विनी वैष्णव ये दोनों उम्मीदवार ज़्यादा बड़े हो गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान बीजेपी के बीच में। चलिए दो दावेदारों की और मजबूती मिल गई है। राहुल श्रीवास्तव जी, बीजेपी के घर में ये जो झगड़ा लगा हुआ है उस पर क्या टिप्पणी आपकी? सौरभ, हम लोग कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई नहीं करता। राजस्थान में बीजेपी के नेताओं ने ये बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि ये सनसेट पॉइंट जो है ना, ये अंग्रेज बनाया करते थे, और चढ़ते सूरज को नहीं, डूबते सूरज को नहीं देखना बंद करो और चढ़ते सूरज के नेतृत्व को देखो। तो ये सब बातें जहां कहनी जाने लगे हैं, तो इशारा बड़ा साफ है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि ये किसके इशारे पे हो रहा है, साहब देखिए ऐसा है कि इस पार्टी में अगर किसी को आज भी संशय है कि कोई ढाई भी है तो मैं हैरान होऊंगा, क्योंकि दो से ऊपर कोई नहीं है, और तो कोई डाउट नहीं है ये क्यों हो रहा है। अरे पर सही कहा गया, मनसबदार अपने मन की थोड़ी बहुत तो करेंगे ही ना, माइक्रो मैनेजमेंट थोड़ा होता होगा सर। माइक्रो मैनेजमेंट क्या है कि माइक्रो मैनेजमेंट ये है कि आप किसी को धक्का देके गिरा दो तो बस से गिरा दो, कार से गिरा दो, जहाज से गिरा दो, कहीं से गिरा दो, मगर धक्का तो दिया जाए। तो यानी वो थोड़ा वेरिएशन तो साहब इतना तो हो सकता है, मगर किसके कहने पे ये बड़ा क्लियर है। देखिए कि उन ये बात कि दोनों नाम काट दें, शरद ने कही, ये बिल्कुल सही बात है साहब। क्या है कि और ये नाम काटे की जो क्राइसिस है, ये नाम काटे की क्राइसिस जो है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि कोई बागी होता है, कोई बहुत नुकसान बेकार आदमी होता है, जीत नहीं सकता तो उस नाम कट गया। इस समय बीजेपी के अंदर 2014 से ये भी प्रॉब्लम है कि आपका अगर कद बहुत बड़ा है, आप एक रीजनल सैट्रैप हैं, अगर आपकी अपने इलाके में पैट है तो साहब आपका नाम कट सकता है। तो ये बात याद रखिए, ये बात दिखी है आपको, रमन सिंह देख लीजिए आप, शिवराज सिंह चौहान पिछली बार हो ही गया था, वो तो मामा की मामा मजबूरी थे, और वसुंधरा राजे का हो ही गया है। अगर आप देखें
तो 2018 से यह क्रम शुरू हुआ था। 2020 में आपको याद है जब जुलाई के महीने में सचिन पायलट का पहला वो बगावत हुई थी, उस समय पे वसुंधरा राजे धौलपुर से नहीं निकली। वो ये इंडिकेशन देना जा रही है कि ये जो हो रहा है दिस इज अ मिसएडवेंचर बाय द सेंटर, और उनको पता था कि ये सक्सीड नहीं करेगा क्योंकि अशोक गहलोत जो है वो इस चीज को नहीं होने देंगे। तब से लेकर के आज तक अगर आप देखें तो वसुंधरा राजे को किसी भी तरह से कंफर्टेबल होकर के ये इंडिकेशन दैट शी इज अ पावर सेंटर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इन राजस्थान हैंड हैज द ब्लेसिंग ऑफ द सेंटर, ये एक बार भी नहीं हुआ है। शरद बैठे हैं, शरद इसको अगर मैं गलत हूं तो कह सकते हैं, बता सकते हैं मुझे। मैंने क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि मैंने वो दिन देखे हैं, मुझे कुछ तारीखें क्या होता है कि आपके अटक जाती हैं दिमाग में। तो अगस्त 21-22 2009 की बात है, तब वो राजनाथ सिंह का उन दिनों वो अध्यक्ष होते थे 2009 में, 34 अशोका रोड पर उनका घर होता था और 7:36 पे वसुंधरा राजे वहां राजनाथ सिंह जी से मिलने आती हैं और 8:46-47 पे वो चली जाती हैं और चेहरे पे उनकी मुस्कान थी और इवेंचुअली जो थी वो अपने मन की करवा के गई थी। उससे कुछ दिन पहले 50 उनके विधायक जो थे वो दिल्ली आए थे और उनकी डिमांड थी वो ही कि राजनाथ सिंह जी वगैरह चाहते थे कि उनको हटाया जाए लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पोस्ट से, और वो नहीं तैयार थी और वो चाहती थी कि कोई उनकी चॉइस का आदमी जो है वो वहां बिठाया जाए। तो ये उस समय की वो थी कि उस समय आडवाणी जी और उनका जो एक गैंग था या गुट था बीजेपी का वो राजनाथ सिंह जी को परेशान करने में लगा था, तो वो वसुंधरा राजे और इन सबको शह दे रहा था। तो हमें याद है कि आडवाणी जी का घर पृथ्वीराज रोड के बाहर बीजेपी के राजस्थान के एमएलए लाइन लगा करके फुटपाथ पे बैठे हुए थे धरना अंजन पे, और उनकी डिमांड यही थी कि हम नहीं जाएंगे जब तक ये हो। और मुझे याद है कि अभी भी कि वो उस टाइम पे बीजेपी का एक चिंतन शिविर वगैरह भी चल रहा था कुछ। तो राजनाथ सिंह जी ने बड़ी मुश्किल से किसी हालत में जाकर के ये बात जब मनवा ली उन्होंने कि भाई ठीक है आप इनकी बात मान जाइए, तब जो यकीन के वो 50 लोगों का जो रिवेलियन था वो शांत हुआ और वसुंधरा जी इस बात के लिए मानी कि वो हट जाएंगी लीडर ऑपोजिशन पोस्ट से। अब अगर आप मई 2012 में आ जाए, मई 2012 में क्या होता है कि 54 एमएलए जो थे वसुंधरा राजे जी के वो गुलाबचंद कटारिया जी जो थे वो एक जन जागरण यात्रा निकाल रहे थे, उसको लेकर के वसुंधरा जी नाराज थे कि साहब ऐसा है कि अगर ये यात्रा निकालेंगे तो मैं क्या बेचूंगी। तो इस नाराजगी के कारण उन्होंने 54 एमएलए को अपने सिविल लाइंस के घर में बुलाया, शरद अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, और उसके बाद उनके इस्तीफे ले लिए गए। और इस्तीफे लेकर के वसुंधरा जी ने क्या किया कि धमकी दे दी कि मेरे अलावा कोई और सीएम का फेस कैसे हो सकता है। तो क्या है कि आपको याद हो 2012 का ये वो फेज है जब नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी वर्सेस नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव चल रहा था। आपको याद है कि बॉम्बे में जब तक संजय जोशी रिजाइन नहीं करेंगे तब तक मैं वहां नहीं आऊंगा, ये सब नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी का चल रहा था। तो कुल मिलाकर के वो पीरियड था जब वसुंधरा राजे का एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आज की बीजेपी की टॉप डिस्पेंसेशन से वो शुरू हुआ था। लेकिन साहब ये मानना होगा कि वो हनक थी उस समय पे वसुंधरा राजे की, जो हनक थी आज साहब वो डूबता सूरज, ये बीजेपी के टॉप ब्रास ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो अब वो बात वसुंधरा राजे सिंधिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि अब पार्टी टॉप ब्रास का उनके ऊपर हाथ ही नहीं का मामला नहीं है, नाउ द पार्टी टॉप ब्रास इज अगेंस्ट हर। ये जो एलिमेंट आ गया है तो क्या है कि पूरा पार्टी स्ट्रक्चर जो है अब वो रियरेंट होने लगा है। अब उसके अंदर राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग आ गए हैं जो कि हु आर द न्यू फेवरेट्स ऑफ द सिस्टम, कि वो राजपूत नेता हैं, तेज तर्रार हैं। अभी उनका उनका भी बर्थडे हुआ था अप्रैल में, शायद अगर बताइएगा मुझे कि उन्होंने भी इंडियन रिकॉर्ड बुक्स में आए थे कि साहब इतना चंदा किसी ने नहीं दिया। एक चीज जो मुझे सौरभ अजीब लगती है कि ठीक है आपकी मन खट्टा है, किसी चीज में झगड़ा है, लेकिन वसुंधरा राजे लाइक येदियुरप्पा एक एस्टैब्लिश लीडर है जो कि एक रीजनल सैटराप की तरह चलना चाहते हैं। उनको मनाया जा सकता है पार्टी के एक स्ट्रक्चर में
उनको टोन डाउन किया जा सकता है, मगर एक उस लेवल तक ले जाना कि कर्नाटक में जो आज हाल है कि एग्जिट पोल अगर जो कह रहे हैं तो बीजेपी चुनाव हार रही है, तो क्या ये एस्टैब्लिश करना कि अपना वर्चस्व एस्टैब्लिश करने के लिए एस्टैब्लिश लीडरशिप को डिसलॉज करना, ये एक पॉलिटिकल फिनोमेना इंटरेस्टिंग आप हरियाणा में कर दिए, इसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। आप उत्तराखंड देखिए तो चीफ मिनिस्टर्स आपको बदलने पड़े हैं, कोई बहुत ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं है जो चुनाव जितवा दे। वसुंधरा राजे चुनाव जितवाने वाली नेता, योगी आदित्यनाथ हैज इमर्ज्ड परहैप्स एज द ओनली एक्सेप्शन इनटू द सिस्टम। तो कुल मिलाकर के अगर बीजेपी की इस समय स्थिति देखें तो ये 8 नाम इस समय पे प्रोमिनेंट जो आपने काफी सारे नाम लिए वो इस समय पे है। लेकिन मैं कहूंगा एक बात, मैं जो कहूंगा कि एक बात ध्यान रखिएगा कि एक पिछले कुछ 2 महीने से एक नाम और चल रहा है, मैं हिंट इतनी दूंगा कि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है जिसका नाम चल रहा है, वशमी वैष्णव का नाम लिया आपने तमाम लोगों का, लेकिन देर इज वन नॉन पॉलिटिकल पर्सन जिसका नाम पिछले कुछ 1.5-2 महीने से चल रहा है। अभी खबर बहुत कच्ची है इसलिए बोलना ठीक नहीं होगा। अरे क्लू तो दे दीजिए राहुल जी, ये आपके क्लू में तो मारे जाते हैं ना। चलिए ऑन दैट नोट यह बातचीत खत्म करते हैं। मुकेश जी, शरद जी, आदेश जी, राहुल जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि नेता नगरी के दर्शक इस राजस्थान पर चर्चा के बाद और भी समृद्ध हुए होंगे।